नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मयो है। आज मैं अपना दोस्त का परिचय करना चाहती हूँ। दोस्त का नाम है कोहे। उसको बहुत अच्छी हिंदी आती है और वो प्रोफेशनल वायोलिनिस्ट है। आजकल बॉलीवुड में भी काम करता है। जब मैं दिल्ली में रहकर हिंदी की पढ़ाई करती थी, तब वो भी एक ही स्कूल में पढ़ता था। हम दोनों एक साथ हिंदी पढ़ते थे और वो वायोलिन बजाता है, मैं बाले करती थी, बाले डांस। तो हम दोनों कनॉट प्लेस में जाके स्ट्रीट परफॉर्मेंस भी करते थे। बहुत मजा आया। तो आज मैं वही बहुत अच्छा मेरा दोस्त ताकामात्सु कोहे का परिचय करूंगी। ठीक है, ताकामात्सु कोहे। चलो अपना परिचय करो। ठीक है, दिस इज कोहे द वायोलिनिस्ट फ्रॉम टोक्यो जापान। और मैं बॉलीवुड में काम करता हूँ और बॉलीवुड में काम करने के लिए मुंबई में रहता हूँ। आज तक मैंने बहुत सारे मशहूर संगीतकारों के साथ काम किया है, जैसा प्रियंका चोपड़ा, जकीर सिंह, और कौन है प्रियंका चोपड़ा, जकीर सिंह, मोनाली ठाकुर जी, मधुर भंडारकर सर, एंड ऑफ कोर्स द लेजेंड माएस्ट्रो ए आर रहमान जी। और हम प्रेमी प्रेमिका हैं। असंभव है, वो झूठ बोल रहा है। असंभव है। चलो गाइस, अभी मैं आप सबको अपना काम दिखाना चाहूंगा। ठीक है, स्टे इन ट्यून्ड गाइस। गाइस, कैसा लगा मेरा वायोलिन? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, सुनकर मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा, जैसे आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले ईशा अंबानी जी की शादी थी और उसमें परफॉर्मेंस करने के लिए मैं बुलाया गया था, वो भी ए आर रहमान जी के साथ। और उस शादी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप सबको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, स्टे इन ट्यून्ड अगेन। सो दिस इज द प्लेस जहां हम ठहरे थे तकरीबन एक हफ्ते तक। दिस इज द 5-स्टार होटल जिसका नाम है ट्राइडेंट होटल। BKC में है, इन मुंबई। दिस प्लेस वॉज रियली लग्जरियस। तकरीबन 60-70 संगीतकार लोग यहाँ ठहरे थे। एंड ऑफ कोर्स ऑल रूम्स वर बुक्ड बाय द प्रोडक्शन। अरे गाइस, होटल कितना लग्जरियस था यार। अच्छा, उस होटल के रेस्टोरेंट में आई फाउंड समथिंग रियली स्पेशल फॉर जापानीज पीपल, जिस आहार को देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ था। सो कैन यू ट्राई टू गेस मुझे खाने में क्या मिला था? मुझे क्या पता। अरे जल्दी बताओ। चलिए आइए दिखाता हूँ इस रेस्टोरेंट में मुझे खाने में क्या क्या मिला था। सो दिस इज द प्लेस जहाँ हम रोज जाते थे भोजन के लिए। और ही इज एन ओबॉय प्लेयर फ्रॉम लंदन। सो मील्स वर ऑफर इन द ब्यूफे स्टाइल 3 times per day। एंड दिस गाय इज अ स्टूडेंट ऑफ द रहमान सर अकेडमी इन चेन्नई। और यार, इतना सही सुशी मिलता है वो भी रोज भाई। आई वॉज टू हैप्पी लाइक क्रेजी मैन। देन वी अटेंडेड रिहर्सल्स एवरी डे at the YRF Yash Raj Film Studio, जो कि बहुत ही मशहूर और प्रसिद्ध स्टूडियो है। द प्लेस जिसका नाम है जियो गार्डन। दिस इज द प्लेस वेयर द वेडिंग रिसेप्शन वॉज गोइंग टू हैपन इन द इवनिंग। चाइनीज नहीं हूँ यार। सो दिस प्लेस वॉज रियली मच क्लोज टू आवर होटल। एंड बेसिकली ये सारे लोग वेडिंग रिसेप्शन की तैयारी कर रहे थे। And yes, this is the stage where we were going to perform.
And of course, the show was shoot 기야 그냐 다. Chalo, it's evening now. Hi. And he is a violin player from London. These are sweets. Indian Mithaiyan BT. But not only Indian one, but there are a lot of options like Haribo from Germany, some candies from America. Wow. Khub sari Mithaiyan. Lot of sweets. So this is the nazara of shadi ka reception. Tayar ho raha hai. And can you see that one? Uske niche khub sare fruits rakhe hue the. I mean khub sare. Yeah. Sare log, the legend A.R. Rahman ji, unko swagat karne ke liye tayar kar rahe hain. It's about to start. Green rooms, stage ke piche. लिखा हुआ है ARR टीम, ARR रहमान्स टीम, ग्रैंड फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा जिसमें मैं भी था, सुखविंदर सिंह सर एंड अरमान मलिक जी, जुनीता गांधी जी वाज आल्सो देयर, द टीम ऑफ ARR रहमान सर, रंजित बरोस सर, ही वाज आल्सो देयर. आई एम एक्चुअली अ बिग फैन ऑफ हिम सिंस लास्ट 3 years. And I follow him everywhere, like Instagram, YouTube, and Facebook, and finally I got some chance to perform for him. And yeah, abhi show sure ho gaya hai. ए.आर. रहमान जी के अलावा बहुत ही सारे स्टार्स थे, बहुत ही सारे, उन सब के साथ काम करने का मौका मुझे मिल गया तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है. As I told you, मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ अरमान मलिक जी का, तो उनका एक गाना बजा के आपको सुनाना चाहूंगा. ठीक है, स्टे इन ट्यून्ड अगेन. It was not actually the first time for me to work for him. जब मैंने पहली बार उनके लिए काम किया था तो उनके अपने स्टूडियो में गाया था चेन्नई में, और इन चेन्नई उनके एक गाने को मैंने एडिट किया था, और वो गाना ना पसंदीदा गाना हो गया, और उस गाने से आगे कोई दूसरा गाना, कोई गाना निकला नहीं है मेरे लिए. सो फेवरेट गाना बजा के इस वीडियो में आप सबको सुनाना चाहूंगा. Thank you.
खाने का नाम है रोजा। बस इसका परिचय तो हो गया। मैं इसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ और बड़ी फैन हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैं कोहे के बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर सकी। हाँ, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है? और कोहे के पास यूट्यूब चैनल भी है, तो उसके बारे में कुछ बताओ। अच्छा गाइस, मेरा भी एक YouTube चैनल है। I mostly upload a Hindi songs cover on the violin and मेरे चैनल का लिंक भी इस वीडियो के नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, ठीक है? तो आप चेक कर दीजिए and if you like my works, please do not forget to like, comment, share and subscribe, ठीक है? ठीक है। बाय बाय, またね、フィルム連携。